गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, जो हमारा बेसिक चीज़ें थी वो पढ़ रहे थे, उसके बाद मेरी वीडियो आपके पास आना बंद हो गई थी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। बट आगे से अब आपको वीडियो मिलती रहेगी जैसे कि पहले लास्ट टाइम मिलती रही थी। तो अभी हम बेसिक कर रहे थे, बट अब हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे, बुक के चैप्टर्स करेंगे, ताकि आपका जो कोर्स है वो भी कम्प्लीट होता रहे साथ साथ, ठीक है। तो क्लास फोर्थ का है पहला चैप्टर, रिवीजन है जो एक्सरसाइज 1.1 है और पेज नंबर आपका थर्ड है, ठीक है। और देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं उसमें फिल करना है। पहला क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर इज, कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 5-डिजिट का, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1000 निबल लैंक, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर होता है, 999 क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर होता है। फिर इसके बाद आता है आपका 1 लाख, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर होता है, और यहाँ से ही 5-डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका 1 लाख। फिर आपका था लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 6-डिजिट का नंबर जो होता है वो होता है आपका 999। ग्रेटेस्ट 6-डिजिट नंबर होता है। आगे ऐसी द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 9625 इज, कि आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 6 की, इसमें 9625 में ये आपको नंबर दे रखा है, इसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, यानी 6 कौन से प्लेस पर है। तो आप जब इसको रीड करेंगे तो 1, 10, 100 प्लेस पर, दैट मींस 600। नेक्स्ट है द सक्सेसर ऑफ 2000 इज, सक्सेसर क्या है 2000 का, यानी सक्सेसर में क्या करते हैं, हम प्लस 1 ऐड करते हैं। शायद मैंने आपको बेसिक बताया था, उसमें बताया था सक्सेसर और 3D सक्सेसर। सक्सेसर में क्या करते हैं, हम 1 ऐड करते हैं, यानी जैसे अगर 2000 है तो इसका जो सक्सेसर होता है वो होता है 2001, ठीक है। आगे फिफ्थ है द PD सक्सेसर ऑफ 2709 इज, 2709 का PD सक्सेसर। PD सक्सेसर में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी सक्सेसर में प्लस 1 ऐड करते हैं और इसमें प्लस माइनस 1 करते हैं, यानी एक माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 2708, ठीक है। आगे द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑलवेज रिमेन द सेम, मतलब जो प्लेस वैल्यू होती है किसकी, नंबर्स की, वो हमेशा आपकी सेम रहती है। आगे द लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर इज फॉर्म यूजिंग 6 different digits, कि जो आप लार्जेस्ट 6-डिजिट नंबर लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, ये इसमें आपके डिजिट है वो सारे क्या हैं, एज इट इज है सेम है, तो इसमें आएगा आपका 9। द स्मॉलेस्ट 5-डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग 5 different digits, सबसे छोटा 5-डिजिट का नंबर कौन सा होता है आपका, 1 लाख, जिसमें क्या होते हैं 4, तो आपके जो आ गया मान लेंगे, इसमें एक डिजिट कितने है, 2 है, तो 0 और 1 है, जो कि अलग अलग, ठीक है। आगे सेकंड, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स, अब आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो जैसे पहला है 4756, ठीक है, इसको जब वर्ड्स में लिखेंगे तो किस तरीके से, पहले आप उसको रीड करेंगे, कैसे रीड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 10, 100 और 1000, 4756, 4756। इस तरीके से आपको वर्ड्स में लिखने हैं। अगला है इसका बी 9260, यानी 9260, वो भी लिख लोगे आप। सी है 2890, डी है आपका 4103, फिर ई है आपका 7902, और एफ है आपका 2468, जी है आपका 8903, एंड एच है आपका 1000। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड इसका अपोजिट है, आपको वर्ड्स में नंबर दिए हुए हैं, आपको इसको नंबर्स में मतलब फिगर में लिखना है। इससे पहला है 9208, तो थर्ड का ए है 9208,
जैसे इसका अपोजिट है सेकंड वाले में, इस तरीके से इसको करना है। फिर बी है 680 और सी है आप 8014, फिर आगे 8009, फिर है 4040, 7060, फिर जी है आपका 6055, एच है आपका 7007, आई आपका 4052, जे आपका 3081, के आपका 8088 और एल है आपका 3700। यानी इस तरीके से आपको इसको वर्ड्स में लिखना है जो मैंने बता दिया, एक बाकी आप खुद करेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आपको दो नंबर, हर नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं जी, बता चुका हूं। सेवन की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सेवन कौन से प्लेस पे, थाउजेंड, तो ये हो गया 7000। नाइन कौन से पे, 100, तो 900। फोर कौन से पे, 10, तो 40। एट कौन से पे, 1 पे, तो 8। ये तो क्या आपकी प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू जब लिखते हैं तो जो नंबर होता है आपको भी रहता है, 7 की प्लेस वैल्यू 7 रहेगी, 9 की 9 रहेगी, 4 की 4 रहेगी और 8 की 8 रहेगी। तो ये होती है आपकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जो आप पहले भी मैंने आपको जब बेसिक चीज करवाई थी उसमें आपको मैंने बताया, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन 4, आगे है। Find the difference between the place value of 2, 5 occurring in 5650. आपको एक नंबर दे रखा है 5650, इसमें आपके 2 5 है, यानी 5 डिजिट है और 2 बार है, तो दोनों के आपको प्लेस वैल्यू निकाल के दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन देखना है करके कि कितना आता है, तो इसको देख लेते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नंबर है आपका 5650। अब देखिए इसमें दो जगह 5 है, एक ये ना और एक ये, इसके दोनों की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो पहले वाले 5 की जो आएगी वो आएगी 1000 प्लेस पे, 1000, और सेकंड आपका 10 प्लेस पे, तो 50, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा फिर 0, ये बचेगा 5, ये बचेगा 9, ये बचेगा 4950, ये आपका डिफरेंस आएगा दोनों का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8386 एंड 4M4526, यानी दो नंबर दे रखे हैं आपको, पहला दे रखा 8386 जिसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 8 की, सेकंड नंबर दे रखा है आपको 4526 जिसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 4 की, फिर दोनों का क्या करना है आपको डिफरेंस बताना है। पहला नंबर है 8386, इसमें 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी एक तो 1000 प्लेस पे, तो 1000, दूसरा आएगा आपका 80, ठीक है। सेकंड आएगा आपको 4526,
प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये आएगी आपकी 4000। डिफरेंस निकालेंगे आप जब इसमें, ये आएगा 8000 माइनस 4000, कितना आएगा 4000। आप चाहो तो इनका भी डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 8000 में से आप 80 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7। सेवन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है? एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। सबसे पहले है एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना है, खोल के लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले 6 देखेंगे आप कौन से प्लेस पे 1000, ये हो गया 1000। 2 आपका 100 प्लेस पे तो 200। 9 आपका 10 प्लेस पे तो 90, और 8 आपका 1 प्लेस पे तो 8। तो इस तरह से एक्सपेंड फॉर्म होते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे इसका अपोजिट है, यानी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पहला है 5000, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? एक 500 प्लेस पर है, एक 5 आपका 100 प्लेस पर है, एक 5 आपका 10 प्लेस पर, और 1 आपका 1 प्लेस पर है। तो इस तरीके से करना है। बाकी अगर बी देखेंगे तो उसमें 8000 है, तो उसमें आएगा 8432। थर्ड सी में आएगा 6090, और डी में आएगा आपका 2099, और ई में आएगा आपका 7611, और एफ में आएगा आपका 4330। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक हुए हैं। तो इसमें आप खुद कर सकते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में करके, बाकी जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है? मतलब हर मतलब क्वेश्चन के मैंने 1-2 कराए हैं, सारे नहीं कराए हैं, बाकी आप खुद करेंगे, खुद से डू योर सेल्फ। एक तरीके से आपका होमवर्क ही है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे घर पर, आपकी जो नोटबुक है उसमें करेंगे, उसके बाद स्कूल में आके, जैसे आपको बताया गया स्कूल में आके आप अपने टीचर से इसको चेक कराएंगे, तो वो चेक करके आपको बताएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। और बाकी जो इसके रिमेनिंग है वो आप करेंगे खुद नोटबुक में। और इसके बाद जो एक तरीके से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो एक रिवीजन ही है आपके लिए, ठीक है? उसमें आपको जो आप पहले कर चुके हैं उसी के लिए एक तरीके रिवीजन है, वो आपको दोहराया जा रहा था कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। आप सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बिल्कुल इसको भूल जाओगे। प्रैक्टिस से क्या होता है, आपकी जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी कैलकुलेशन है वो अच्छी रहती है, ठीक है? तो प्रैक्टिस सबसे मैंडेटरी है, प्रैक्टिस करना ना छोड़े। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद करेंगे, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बट आप चाहें तो उसको खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आप पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि ये क्या है आपका रिवीजन है, ठीक है? बट अगर करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस में आएगा, जैसे कि इसमें नाइन क्वेश्चन की काउंटिंग बाय 4 राइट नंबर्स फ्रॉम 4372 टू 4390, यानी आपको काउंटिंग करनी बाय 4 से, इसके फिर जो 4370 से 4390 के बिटवीन में जो नंबर्स आते हैं वो आपको लिखने हैं। ऐसे ही 10 में आपको काउंटिंग 15 से करनी है, और 11 में आपको 50 से करनी है, ठीक है? 15 और 50 में डिफरेंस है। और फिर 12 में आपको पैटर्न है, ये आप खुद कर सकते हैं, आपको एक सीरीज दे रखी है 18, 23, 28, 33, यानी सब में आपको 5-5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट नंबर जो है ब्लैंक्स दे रखा है उसमें आप देख सकते हैं। 13 में आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताना है, या फिर इक्वल है जो भी है वो बताना है। 14 में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर है, और 15 में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन हैं, ये आप कर चुके हैं, रिविजन ही एक तरीके से भाई करना खुद प्रैक्टिस में, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर रखूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।